नमस्कार, मैं हूँ लीजा चंदेल और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। अभी जुड़ चुके हैं आपके साथ एक बड़े और खास मुद्दे को लेकर। अभी इस वक्त मैं आप पहुंची हूँ मानसरोवर स्थित धनवंतरी हॉस्पिटल में, जिसका किस्सा कुछ समय पहले आपने जरूर सुना होगा कि कहीं ना कहीं धनवंतरी हॉस्पिटल की जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास किया गया था। अब छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया गया था, ये पूरा प्रकरण क्या था, तो इसी बीच में मैं अभी आ पहुंची हूँ धनवंतरी हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है मिस्टर आरपी सैनी के साथ। चलिए जुड़ते हैं इनके साथ में और जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा प्रकरण। तो सर, ये पूरा मामला क्या था और किस तरीके से ये पूरा मामला जो था और इसका अपना अगला स्टेप आपका क्या होगा? ये मामला हमारे हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले दो व्यक्ति आए और इल्लीगल मनी की डिमांड करने लगे, जिनका नाम सुमित कुमावत एवं सुनील उदैया, जो कि आदतन अपराधी किस्म के आदमी हैं और इल्लीगल मनी की डिमांड करते रहते हैं हर हॉस्पिटल से, हर नर्सिंग कॉलेज से और हर मेडिकल कॉलेज से। जब मेरे पास आए, मैंने मना कर दिया। इसके बदला लेने के लिए उन्होंने एक साजिश रची, जो उन्होंने किसी महिला को तैयार किया। वो मरीज को नहीं लाई, वो खुद आई और उसने मनगढ़ंत तरीके से हमारे हॉस्पिटल में न्यूज छपवा दी, जो कि बिल्कुल निराधार थी। उसमें मेरा कोई रोल नहीं था, हमारे यहाँ कोई डॉक्टर से बात नहीं हुई। पेपर में छपवा दिया कोई तनेजा साहब हैं जिन्होंने 70,000 रुपये खर्चा बताया। अब वो 70,000 रुपये 5 दिन का खर्चा था या 10 दिन का खर्चा था, ये उसमें क्लियर नहीं किया उन्होंने। लेकिन मरीज हॉस्पिटल के अंदर नहीं आया, न उसने कोई पर्ची कटवाई, न वो भर्ती हुआ, न उसने किसी प्रकार का पेमेंट किया। इसलिए ये टोटल ही मनगढ़ंत और हॉस्पिटल की छवि को नुकसान करने के योजना से तैयार की हुई क्लिप है, जो कि उनके रसूख रहते हुए सिर्फ पत्रिका ने उनकी खबर को छापा, बाकी दैनिक भास्कर अदर पेपर्स वालों ने बिल्कुल नहीं छापा। तो सर, आपका क्या कहना है कि जैसा कि उनके द्वारा बताया गया था कि उस पेशेंट को हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने देखा ही नहीं, तो आपका क्या कहना है कि क्या वो पेशेंट उस समय, जिस समय ये घटना हुई, जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया, तो उस समय वो पेशेंट को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए थे या नहीं? वो पेशेंट नहीं लाए थे, सिर्फ वो मुखबरी के हिसाब से आए थे और पेशेंट को लाने की बात कह रहे थे लेकिन लेके नहीं आए थे। ठीक है, तो और न ही उन्होंने किसी प्रकार की कंसल्टेशन की पर्ची कटवाई। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन मेरा सर आपसे ये है कि जब ये घटना हुई उसके बाद में जब आप लोगों के पास यहाँ पे कोई पेशेंट आया नहीं और जब ये हॉस्पिटल की जो छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया गया, उसके बाद क्या उन लोगों के द्वारा आपसे कोई मुआवजा राशि मांगी गई, किसी प्रकार की कोई धमकी आई या उन्होंने आपसे कोई पैसा वसूली के लिए आपको फोन किया? उन्होंने बार बार यही धमकी दी कि हम इस हॉस्पिटल को सील कराएंगे, इस पे ताले लगवाएंगे और इस ताले लगवाने को या सील करने को कोई रोक नहीं सकता। तो हमने भी जवाब में उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर डैमेज सूट फाइल किया। 1 करोड़ रुपए का नुकसान हमारे कॉलेज में और हॉस्पिटल में करीब करीब हो चुका है, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि भाई ये क्या हो रहा है। हमारी छवि को जो धूमिल किया है उससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ है, उसका हमने डैमेज कोर्ट के अंदर फाइल कर दिया है। डेट भी पड़ गई और उनको नोटिस भी इशू हो गए। नोटिस इशू हो चुके हैं, तो सर बस अब इसके बाद में अगर कोई भविष्य में इस तरीके का कोई फिर से प्रकरण सामने ना आए, इसके लिए अब आपका अगला कदम क्या होने वाला है? अब हम उन दोनों व्यक्तियों से जी बिल्कुल सावधान है जी, और ऐसा जो व्यक्ति आता है जो बिना मरीज के आता है, बिना
इन्वेस्टिगेशन आता है और ये कहता है ये ऑपरेशन कर दो, इसका कितना लोगे, उतना, उससे हम बिल्कुल सावधान है। हम कहते हैं पहले मरीज लाओ, हमारी रेट लिस्ट देखो और उससे आप डिसाइड करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत जी। जैसा कि आपने देखा कि अभी डॉक्टर आरपी सैनी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से धन्वंतरी हॉस्पिटल की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया था। अब जानना यह है कि अभी तक जो मानहानि का जो केस उन लोगों के ऊपर, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके ऊपर जो अभी तक मानहानि का जो केस लगाया गया है, अब देखना यह है कि उनके ऊपर सरकार किस तरीके से कार्रवाई करेगी। क्या धन्वंतरी हॉस्पिटल अपने इस क्रम पे, जो घटनाक्रम को जो अंजाम दिया गया था लोगों के द्वारा, इस पे जीत पाता है या नहीं। देखते रहिए आवाज न्यूज 24 की खास खबर। देते रहेंगे अपडेट आप।